गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एक छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इस टॉपिक का बेसिक पार्ट हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, था कि हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है। लेकिन बात करते हैं 12th क्लास में, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसका, ये ध्यान रखना है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, वायर कंडक्टर कुछ भी हम यहाँ ले सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से कॉन्सेप्ट को अच्छे समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेट वायर है या कंडक्टर, जिसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, एक्स वाई रख देते हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। इसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट से एम मान लो, के मान लो, इससे ए डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है पी, जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अब के पॉइंट से एल लेंथ पर, चाहे वो अप ले सकते हैं, डाउन ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं आर्टिकल को समझा रहा हूँ, बुक के ऊपर तो ध्यान रखिएगा। तो हम नीचे की साइड एल लेंथ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, और यहाँ पर हम मान लेते हैं करंट एलिमेंट। जैसे कि मैं आपको बता दूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ अभी आपने बायोट सेवर्ट लॉ की वीडियो आपने कंप्लीटली अच्छे से देख ली होगी, कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। यहाँ पर मैं बायो सेवर्ट लॉ का बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ, उसी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, उसी की टर्म से काफी करंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ, वो सभी चीजें यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बहुत सारे टॉपिक है, अगर आपने बायो सेवर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं किया तो उस वीडियो को जरूर देख लें अच्छे से, जिससे कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये क्या है, करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, ध्यान रखना हमेशा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ वायर होती है। इसकी अपवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वायर, करंट एलिमेंट की। तो करंट एलिमेंट की अगर हमें लेंथ पूछूं, मैंने आपको बताया था एक शॉर्टेस्ट एक थोड़ा सा पार्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसकी लेंथ क्या होगी, डेल एल मान ले, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ध्यान रखना डेल एल इसकी लेंथ है, डेल एल मैं लिख देता हूं, बाकी और आगे समझा देंगे हम आपको। अब इससे पॉइंट अगर देखा जाए, मेरे पास करंट एलिमेंट से जो पॉइंट पी है वो आर डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। लेकिन आर को एक वेक्टर वेक्टर है, क्यों, वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, इसलिए मैंने इस पे वेक्टर मेंशन कर दिया है। तो पी पॉइंट के लिए रहेगा। अब एक छोटे से पॉइंट, ये सब पॉइंट कहां से आ रहे हैं, बायोट सेवर्ट लॉ से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी था वहां पर, क्या था कि करंट एलिमेंट और आर, इन दोनों के मिड का एंगल हमेशा क्या था वहां पर, थीटा, याद है थीटा एंगल। मैं बायोट सेवर्ट लॉ का यहां पर फॉर्मूला भी लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ी बहुत चीजें रिमाइंड होती रहे। डी बी इक्वल में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि के की वैल्यू थी, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है। तो थीटा ये वाला थीटा ये था। अब इसमें एक दो पॉइंट और बता रहा हूं, ये थीटा, ये एंगल कितना था, हो कितना होगा या फिर कितना होता है, पता ही है 90 डिग्री राइट एंगल होगा, 90 है। तो इसे हम कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं, इनके मिड के एंगल को क्या लेट करें, फाइव लेट कर ले, या थीटा वन थीटा टू भी कर सकते हैं, मर्जी हमारी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वाले एंगल को मैंने क्या लेट कर लिया, फाइव लेट कर लिया। अब सब पॉइंट क्लियर है, कौन सी चीज कैसे कैसे आनी है, इससे पॉइंट के से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या फिर बोल सकते हैं कोई कंडक्टर है। इससे एल डिस्टेंस पर एक मैंने करंट एलिमेंट एज्यूम कर लिया, करंट एलिमेंट की लेंथ क्या है, डेल एल है, पता है मैं लेंथ के कुछ पार्ट होता है इसका, और आर का मिड का एंगल थीटा होता है। इसकी जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की करंट एलिमेंट से वो आर है, वो जो कि वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन इसमें पूछी जाती है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, ध्यान रखना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वायर, वायर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन के साथ साथ इसकी डायरेक्शन होती है किसकी, करंट एलिमेंट की। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बी को मुझे डी बी को बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करने के बाद बी में कन्वर्ट किया जा सकता है, याद है ना, डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ठीक है, उससे पहले कुछ मुझे कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ों की नीड पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बता रहा हूँ, स्पेस की कमी पड़ेगी, इसलिए अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को आपको। हमने पॉइंट्स में आपको यहां मेंशन कर रहा हूं, इसे हम क्या मान लें, पॉइंट कुछ भी ओ मान लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ के पी बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं, पीटी वैसे ज्यादा यूज नहीं होना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये रहने देते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स को ज्यादा वही समझते हैं कि हाइपो स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसके साथ साथ कुछ एक दो पॉइंट और भी होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल के थ्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस फाइव प्लस 90, तीनों एंगल ये 1 2 3 कितना होता है 180, प्लस चेंज इनटू माइनस, तो थीटा प्लस फाइव इक्वल में कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 कितना आएगा, ये आएगा 90, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी,
90 माइनस 5, मेरे पास क्या है साइन थीटा, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, सो यहां पर भी साइन लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा माइनस 5, सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पर, कोई नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, एल भी चाहिए आर भी चाहिए, सो मैं एल और आर कैसे निकालूंगा, एल आर तो मेरे पास हाइपो में ठीक है, एल परपेंडिकुलर है, पता नहीं वाला कॉन्सेप्ट, ये हम ऐसे पढ़ते थे छोटे 10th क्लास में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आपने लर्न किया होगा, बहुत सारी ट्रिक से बच्चों ने अलग अलग बनाई हुई है। तो यहां से मुझे देखना है हाइपो कोस में यूज होता है और ये क्या है एल जो कि परपेंडिकुलर जो कि टेन में यूज होता है, सो पहले कोस फाइंड करते हैं, एंगल ले लेते कोस फाई, सो कोस फाई क्या होगा, कोस का फॉर्मूला बेस, बेस क्या है मेरे पास इसका ए, हाइपो क्या है आर, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, आर इक्वल में ए अपॉन कोस फाई, और कोस फाई को क्या लिख सकता हूं मैं सेक फाई भी लिख सकते हैं, आर की वैल्यू आ गई ठीक है। एल भी तो चाहिए, एल भी फाइंड कर ले, तो इसी से हम देखते हैं टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन फाई इक्वल में पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर मतलब एल अपॉन बी, बी मतलब बेस, बेस क्या है हमारे पास ए, कोई प्रॉब्लम, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल आ गया, लेकिन चाहिए क्या डेल एल, तो क्या करेंगे इक्वेशन को डिफरेंशिएशन कर देंगे ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि फाई के रेस्पेक्ट में ही होगा, सो डी एल अपॉन डी फाई, फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो डेल एल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट तो नहीं है ना, पता है क्यों मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को आराम से डिटेल में बता रहा हूं, जिसको मैं डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबको जिसे बोलते ना बिल्कुल आराम से डीपली कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकली, आर की वैल्यू कैसे निकली, वीडियो को पॉज कर करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी सकते हैं कि एक एक टर्म्स मैंने कैसे कैसे सॉल्व किए, कॉस निकाला फिर टेन की हेल्प से मैंने एल निकाल लिया, एल का डिफरेंशिएशन कर दिया क्या आ गया डेल एल आ गया, डेल एल भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, लगभग सभी फिजिकल क्वांटिटीज आ गई है, पुट करते हैं देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है, डी भी सेम लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई सेम, आई सेम, डेल एल की वैल्यू क्या है मेरे पास ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास कोस फाई ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आई थी ए सेक फाई, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर दो बार लिख लेंगे, ए सेक फाई इंटू ए सेक फाई, कुछ कैंसिल है ए से ए कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, क्या रिमेन है म्यू नोट अपॉन फोर पाई ए आई कॉस फाई डी फाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट डी बी आ गया डी बी। अब मुझे चाहिए क्या बी चाहिए, अब मुझे डिफरेंशिएशन है दोनों तरफ, रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक होने वाला, ये कॉन्सेप्ट को समझिए आराम से। अब पॉइंट पी पर देखिएगा, पॉइंट पी पर मेरे पास ये वायर की लेंथ है, टोटल वायर एक्स वाई है, इसके मैक्सिमम मेरे पास ये लिमिट हो सकती है, मीन्स यहां तक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, यहां से जब मैं मान लेते पी कोई पर्सन है, यहां पर कोई खड़ा हुआ है, तो उसका मैक्सिमम एंगल क्या है ऊपर वाला, सो ये वाला एंगल मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ भी अपने पास से मान लीजिएगा, फाइव टू फाइव वन कुछ भी मान लीजिए, फाइव टू मान लेते हैं, ये वाला क्या मान लेते हैं नीचे वाला, नीचे वाला कहाँ पर होगा एक्सपो होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये आप इमेजिन करिएगा, सो ये वाला एंगल क्या होगा फाइव वन होगा, फाइव वन और फाइव टू ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे विद रेस्पेक्ट टू फाई के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन में रेस्पेक्ट की तो नीड है भी नहीं वैसे यहाँ पर ठीक है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ए आई कोस फाई डी फाई ठीक है, फाई की लिमिट क्या होने वाली है मेरे पास जो एंगल है, एंगल आपने देखा इसकी मैक्सिमम क्या है फाई टू, और कहाँ से मिनिमम क्या है मेरे पास फाइव वन, तो फाइव वन देखिए ना ये ध्यान रखना आपको, ये तो बेसिकली पढ़ा है ना हमने, नेगेटिव एंगल कम होता है हमारे पास, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे नीचे वाले एंगल जितने भी होंगे सब क्या होंगे हमारे पास, ये वाला एंगल पूछे तो नेगेटिव और ये वाला पूछे तो पॉजिटिव, तो नीचे वाला एंगल जो नेगेटिव होगा तो मिनिमम फाइव वन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइव टू है ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट को हम जो डी फाइव वाला फंक्शन है वो तो अंदर रहने वाला है, बाकी सब कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, सभी पॉइंट आपको विजिबल हो रहे हैं अच्छे से, सो रिमेनिंग क्या है माइनस फाइव वन फाइव टू कोस फाइव डी फाइव। अब ये वाले टर्म्स हम इरेज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इसका यूज होगा अभी तो कुछ यूज नहीं होगा इसका, सब पॉइंट आप नोट कर लेगा, नोट करने पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा। अब फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, बी आ गया, बी ही मुझे कैलकुलेट करना था। सो बी इक्वल में म्यू नॉट, ठीक है, आई, ठीक है, अपॉन फोर पाई ए, ठीक है। कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन फाई होता है, प्लस साइन फाई, प्लस में होता है, ध्यान रखना वो डिफरेंशिएशन में होता है माइनस का, स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पर। साइन फाई अपर लिमिट क्या है, फाई टू, लोअर लिमिट फाई वन, पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट आई फोर पाई ए, अपर लिमिट पुट करेंगे साइन फाई टू, बीच में माइनस होता है, एक माइनस ये वाला है क्योंकि साइन माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा। सो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, बी का, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको इसके साथ साथ इसके कुछ केसेस डिस्कस करूंगा जिसे बोलते हैं स्पेशल केस। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला आ गया। स्पेशल केस मतलब तीन केसेस देंगे कि मेरे पास एंगल चेंज होता चला जाएगा, जैसे कि मेरे पास ये फाई है, ये 90 हो जाएगा, फाई टू चेंज हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तीनों केसेस डिस्कस करता हूँ कि स्पेशल केस काफी बार पूछे जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं पूछा जाता, वैसे फॉर्मूला है क्या मैग्नेटिक फील्ड का, ये है, काफी बार यूज होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग है। इनफाइनाइट वाले केस में भी आप डिस्कस करेंगे सारे केसेस। तो डिस्कस करते हैं केस क्या है इससे रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है तीनों केस। सो आइए गाइस अब इसके तीनों ही स्पेशल केस अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बिल्कुल अभी अभी हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, बी इक्वल में म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, डायग्राम मैंने सेम मेंशन कर लिया जैसे था वैसे ही, कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो इरेज कर दिया। तीनों केसेस मैंने यहाँ लिखे हैं उनकी कंडीशंस, देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा अलग अलग केसेस में। फर्स्ट केस क्या है, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनेटली लॉन्ग, जो मेरे पास एक्स वाई कंडक्टर है इसकी लेंथ इनफाइनेटली लॉन्ग हो जाए, मीन्स मिजरेबल ना हो, एंड द पी पॉइंट लाई नियर द मिडल ऑफ द कंडक्टर। पी पॉइंट कहां पर लाई करा के, कंडक्टर के मिडल में, जो मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास कोई वो है एक्स वाई कोई कंडक्टर है, पी पॉइंट कहां मिड में आके वो करने लगे, लाई करने लगे, तो मेरे पास एंगल क्या होंगे, फाइव वन और फाइव टू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। 90 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन फाइव टू भी 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 और 1 क्या आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बी का नया फॉर्मूला क्या आने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में। मैं आपको एक चीज और बताऊँ, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा तीन केसेस है, कोई बच्चा पूछने लगे कि सर कौन सा वाला केस सबसे ज्यादा रिपीट होता है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट केस जैसे इनका ऑर्डर आ रहा है वैसे इसका इंक्रीजिंग लेवल मतलब इंपॉर्टेंट लेवल जो डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे, तो सबसे हाई है, इट मीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी एग्जाम में भी पूछा जाता है काफी बार, इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए ध्यान रखना है, ये नाम जरूर याद रखना है, इनफाइनेटली लॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, सेकंड थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, थर्ड और भी ज्यादा लेस है, लेकिन फर्स्ट सबसे ज्यादा है। सेकंड में क्या दिया है, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनेटली लॉन्ग, ठीक है, पी पॉइंट लाई नियर द एंड वाई, वाई के साथ साथ एक्स के पास भी लिख लेना आप, और एक्स, यानी कि पी पॉइंट कहां लाई करे, या तो एक्स के पास लाई करे या वाई के पास लाई करे, तो दोनों में से एक एंगल फिनिश हो जाएगा। अगर वाई के पास लाई करता है तो सेकंड फाई टू मेरे पास जीरो हो जाएगा, अगर एक्स के पास लाई करेगा सो फाई वन मेरे पास जीरो हो जाएगा, तो एक एंगल तो जीरो हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो पुट करते साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये फिनिश 1 होती है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो बी का नया फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ध्यान रखना है ये वाला, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या गिवन है, थर्ड को अच्छे समझेंगे। थर्ड में क्या है, इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, यानी कि जो कंडक्टर है एक्स वाई उसकी लेंथ क्या दे दी उन्होंने, एक्स की लेंथ दे दी, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो लेंथ दी है इसकी एल लेंथ दे दी फाइनाइट टाइप के बाद, एक्स मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, एक्स वाई कोई परेशानी नहीं है, एंड द पॉइंट पी लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता है ना, बिल्कुल मिड में पी पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये पॉइंट हमारे पास डिस्टेंस क्या थी, आर थी, ये डिस्टेंस आर थी, ये ए थी, ये भी आर थी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इक्वल होगा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट कोई क्लियर है। उन्होंने बोला देन फाई वन फाई टू आपस में दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये भी फाई है और ये भी फाई है, यानी कि एक से मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा मेरा काम चल जाएगा। सो साइन फाई वन साइन फाई टू दोनों आपस में इक्वल है, तो फॉर्मूला भी क्या आएगा, सिर्फ साइन फाई आएगा। सो लिखते हैं नया फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, ये हो जाएगा टू साइन फाई, कोई प्रॉब्लम, नया फॉर्मूला आ गया, लेकिन साइन फाई की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ से फाइंड करके। अब साइन फाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिएगा पूरा एल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एल बाई टू होगा, ये भी एल बाई टू होगा, अभी हमने पढ़ा था
पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले वाला कॉन्सेप्ट मीन्स पाइथागोरस वाला, तो साइन हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या होगा साइन फाई का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास एल बाई टू अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है आर, आर एल के टर्म्स में निकाल लो तो ठीक है, वरना आर ही लिख सकते हैं, इसकी टर्म्स में पूछेंगे तो क्या आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइन फाई की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास म्यू नॉट आई फोर पाई ए, थोड़ा सॉल्व करके रखनी है, ऐसे रख सकते हैं, मर्जी है, थोड़ा सॉल्व कर दूं मैं, एल अपॉन टू तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट से बाहर टू आएगा, टू से टू कैंसिल, मतलब ये वैल्यू आएगी मेरे पास एल अपॉन रूट में फोर ए स्क्वायर एल स्क्वायर, एक टू से टू कैंसिल, म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई ए रूट के अंदर फोर ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ये मेरे पास थर्ड केस है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ काम का ये भी है, काफी बार पूछा भी जाता है। आई होप सो तीनों केसेस स्पेशल केस कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझ में आ गए होंगे, ध्यान रखना है हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसका आर्टिकल और केसेस इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे टॉपिक्स और नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके, टॉपिक पर आपको कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियोज में आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर सके, तब तक के लिए थैंक्स।